आई थिंक मैं हमेशा से ये सोचता आया हूँ कि whenever there's we call it a adda. You know, every weekend we find a place. We also need some place like that, something new, a new place you can just hang out, you can sit, chill. In fact, there's a live band thing area where you have a live band inside the social. So हम लोग खुद ढूंढते हैं ऐसी जगह कि कोई एक नई जगह मिले जो I think social अंधेरी में एक social होना ज़रूरी था. जैसे भी रियाज भाई ने बोला कि in the invitation also कि I think आपका अपना एक social अंधेरी में भी होना चाहिए. So this time they've got it in Andheri. It's much more easier क्योंकि normally when you travel in Mumbai it's much more difficult to travel, it takes a lot of time. Bandra jao, you go further town mein. So if you have one in Andheri then it's convenient. It's more of a trend I think, but major part for a biopic is you need to have a lot of do a research on it जो कि बहुत ज़रूरी है. वो research अगर आपकी कहीं भी गड़बड़ा जाती है कहीं ना कहीं फॉर द फिल्म पीपल डू इट कमर्शियली, उसको थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा मसाला लाते हैं उसके अंदर, वो भी ज़रूरी है ताकि लोग उसमें इंट्रीग इंटरेस्ट रखें फिल्म के अंदर, वो भी ज़रूरी है. लेकिन एट द सेम टाइम वो इंस्पायर्ड भी रहे और गलत भी ना हो कि कोई आदमी उंगली उठा सके और ये कहे कि, तो ये बहुत ही बायोपिक इज़ वेरी टफ सब्जेक्ट जहाँ पर आपको शायद 1-1.5 साल तो उसकी रिसर्च में लग जाता है कि आपको हाँ नहीं तो उस फिल्म के ऊपर लोग उंगलियाँ उठा सकते हैं. अभी एक मोहनजोदाड़ो जैसे फिल्म आने वाली है तो I'm sure there are lot of research behind it. बहुत सालों की मेहनत होती है. आपको बड़े बदान में बड़े बढ़ते तो आपने फरवरी में देखा होगा, फरवरी में मेरी फिल्म आई थी लव शगुन, वो आई, उसका अच्छा रिस्पॉन्स रहा था. अब एक क्रॉसओवर फिल्म है जो मैं अब अभी लीक आउट नहीं करूँगा कि क्या है, फिलहाल एक टेलीविज़न में शो कर रहा हूँ जो आई थिंक आफ्टर 2 months विल बी गोइंग US में शूट है और एक पंजाब में शूट है. इट्स अ क्रॉसओवर फिल्म. सो हाँ ये ज़रूर कहूँगा एक सिख कल्चर के ऊपर है और मेरा हमेशा से लगाव रहा है. 2 पंजाबी फिल्म करने के बाद मेरा हमेशा से रहा है कि मैं इसी कल्चर से जुड़ा रहूँ और इस पर ही कोई फिल्म हो तो उससे. सो इट्स गोना बी मोर ऑफ इमोशनल ड्रामा और क्रॉसओवर फिल्म है तो कुछ इंग्लिश, कुछ हिंदी, कुछ पंजाबी, तीनों लैंग्वेज.